हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है कैलिब्रेशन ऑफ ब्यूरेट। ब्यूरेट का कैलिब्रेशन कैसे करते हैं उसका हल एक्सपेरिमेंट आज देखेंगे। व्हाट इज कैलिब्रेशन? कैलिब्रेशन क्या है? कैलिब्रेशन इज कंपैरिजन बिटवीन नॉन स्टैंडर्ड ग्लासवेयर और इंस्ट्रूमेंट मेजरमेंट्स विद द यूजिंग और रिक्वायर ग्लासवेयर और इंस्ट्रूमेंट मेजरमेंट्स। लेबोरेटरी में जो ग्लासवेयर या इंस्ट्रूमेंट का हम यूज करते हैं उसके मेजरमेंट का कंपैरिजन हम नॉन स्टैंडर्ड ग्लासवेयर या इंस्ट्रूमेंट से करते हैं और उसके जरिए हम जिस ग्लासवेयर या इंस्ट्रूमेंट का यूज करने वाले हैं उसकी एक्यूरेसी हम तय करते हैं, जिसको कैलिब्रेशन कहते हैं। आज का प्रैक्टिकल है एम टू कैलिब्रेट द 50 ml ब्यूरेट। 50 ml ब्यूरेट हम लेंगे और इस 50 ml ब्यूरेट का कैलिब्रेशन करेंगे। उसके लिए रिक्वायरमेंट है ब्यूरेट ऑफ 50 ml, वाटर, 100 ml का बीकर एंड थर्मोमीटर और डिजिटल बैलेंस। ऑब्जर्वेशन टेबल, यहाँ 50 ml की ब्यूरेट का कैलिब्रेशन करने के लिए ब्यूरेट में 0 ml के मार्क तक पानी भरेंगे और 0 से 10, 0 से 20, 0 से 30, 40 और 50 ml पानी का वेट करेंगे और उसके लिए एक खाली बीकर लेंगे। खाली बीकर का वेट करेंगे जिसको हम W1 ग्राम कहेंगे। एम्प्टी बीकर और जो पानी 10 ml, 20 ml, 30 ml, 40 ml और 50 ml ब्यूरेट में से लेने वाले हैं उसका बीकर के साथ वेट करेंगे जो W2 ग्राम कहलाएगा। उसमें से एम्प्टी बीकर का वेट हम बात करेंगे तो हमें सिर्फ पानी का वेट मिलेगा और जो पानी का वेट है उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी के साथ यहाँ डिवाइड करने से पानी का एक्चुअल वॉल्यूम हमें मिलेगा। पानी का एक्चुअल वॉल्यूम YML है। उसमें से ट्रू वैल्यू अगर हम बात करेंगे तो एरर प्लस और माइनस हमें मिलेगी। यहाँ अगर ट्रू वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू दोनों सेम है तो एरर 0 भी मिल सकती है, यानी कि एरर प्लस माइनस और 0 हो सकती है। बाद में परसेंटेज रिलेटिव एरर का कैलकुलेशन करने के लिए जो एरर की वैल्यू हमें मिलेगी उसको ट्रू वैल्यू से डिवाइड करेंगे और 100 से मल्टीप्लाई करने से हमें परसेंटेज एरर मिलेगी। पानी का टेम्परेचर है 20 डिग्री सेल्सियस। एम्प्टी बीकर का वेट है 48.502 ग्राम। अब ब्यूरेट का कैलिब्रेशन करने के लिए ब्यूरेट में पानी ऐड करेंगे। पानी फिलअप करके 0 मार्क तक उसको सेट करेंगे और एयर बबल निकालेंगे। सबसे पहले जिस बीकर का वेट किया था उसमें 0 से 10 ml तक पानी हम लेंगे। दस एम एल पानी बीकर में लिया है। पानी और बीकर का वेट है 57.981 ग्राम। उसमें 10 ml पानी ऐड करेंगे
यानी कि 0 से 20 ml तक पानी ऐड करेंगे, और 20 ml पानी ऐड करके उसका वेट करेंगे। बीकर और 20 ml पानी का वेट है 67.535 ग्राम। अब उसमें 10 ml पानी ऐड, यानी कि टोटल 30 ml पानी ऐड करेंगे। यहाँ 0 से 30 ml तक पानी हमने ब्यूरेट में से ऐड किया है। बीकर और 30 ml पानी का टोटल वेट है 76.979 ग्राम। अब उसमें से ब्यूरेट में से दूसरे 10 ml पानी ऐड करेंगे, यानी कि टोटल 40 ml पानी ब्यूरेट में बीकर में लेंगे। बीकर और 40 ml पानी का वेट करेंगे जो है 86.373 ग्राम। अब उसमें 40 से 50 ml तक 10 ml पानी ऐड करेंगे, यानी कि टोटल 50 ml पानी बीकर में ऐड किया है। अब बीकर और 50 ml पानी का वेट करेंगे जो है 95.791 ग्राम। यहाँ पानी का टेम्परेचर है 22 डिग्री सेल्सियस। 22 डिग्री सेल्सियस पे पानी की डेंसिटी यानी कि स्पेसिफिक ग्रेविटी है 0.9982 ग्राम पर ml। एम्प्टी बीकर का वेट है जिसको W1 कहेंगे वो है 48.502 ग्राम। ऑब्जर्वेशन टेबल, एक्सपेरिमेंट में हमने देखा कि 10 ml पानी और बीकर का वेट था 57.981 ग्राम। उसमें से एम्प्टी बीकर का वेट अगर हम बात करेंगे तो पानी का वेट आएगा 9.479 ग्राम, और इसको डेंसिटी से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 9.496, यानी कि नियरेस्ट टू 9.5 ml, यानी कि 0 से 10 ml तक ब्यूरेट में से जो पानी लिया था उसका एक्चुअल वॉल्यूम है 9.5 ml, जबकि वो होना चाहिए 10 ml, यानी कि ट्रू वैल्यू है 10 ml, एक्चुअल वैल्यू 9.5 में से ट्रू वैल्यू 10 ml बात करेंगे तो डिफरेंस हमें मिलेगा -0.5 ml, यानी कि एरर है -0.5, और उसकी रिलेटिव परसेंटेज एरर कैलकुलेट करने के लिए एरर 0.5 को ट्रू वैल्यू x से डिवाइडेड करेंगे, यानी कि -0.5/10, और उसका 100 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमें परसेंटेज एरर मिलेगी और उसकी वैल्यू हमें मिलेगी -5%। उसी तरह 20 ml और पानी और बीकर का वेट था 67.535 ग्राम, उसका भी टोटल वेट में से एम्प्टी बीकर का वेट बात करेंगे और स्पेसिफिक ग्रेविटी के साथ उसको डिवाइडेड करेंगे तो वॉल्यूम हमें मिलेगा एक्चुअल वॉल्यूम, और एक्चुअल वॉल्यूम का ट्रू वॉल्यूम के साथ डिफरेंस लेने से एरर हमें मिलती है -0.9, और परसेंटेज एरर हमें मिलेगी जो एरर 0.9 थी, -0.9 उसको ट्रू वैल्यू 20 से डिवाइड करेंगे और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एरर होगी -4.5%। यहाँ एक्स अलग अलग है 10, 20, 30 या 40, 50, ऐसे अलग अलग एम एल के लिए जो वेट मिला था उसमें से एम्प्टी बीकर का वेट बात करेंगे, ग्रेविटी से डिवाइड करेंगे तो एक्चुअल वॉल्यूम मिलेगा,
उसके जरिए हम परसेंटेज सॉरी एरर कैलकुलेट करेंगे और उसका ट्रू वैल्यू के साथ डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लिकेशन करने से उसके रिलेटिव हमें परसेंटेज एरर मिलेगी। रिजल्ट परसेंटेज एवरेज एरर ऑफ द 50 ml ब्यूरेट, यहाँ पांचों ऑब्जर्वेशन के लिए जो परसेंटेज एरर हमें मिली है उसका हम टोटल करेंगे और टोटल को 5 से डिवाइडेड करेंगे तब हमें एवरेज एरर मिलेगी -4.99%, यानी कि 50 ml ब्यूरेट की एवरेज एरर हमें मिलेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।